दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्टर जब एक्चुअल ट्रांसफर होती है तो जाके आपको सब रजिस्ट्रा में जाके प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती है। तो पावर अटॉर्नी के बेसिस पर जीपी आपने बना दिया, जनरल पावर अटॉर्नी, साथ में एक विल लिख दी, उसके बेसिस पर ट्रांसफर, वो ट्रांसफर इलीगल ट्रांसफर है, सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस है, वो ट्रांसफर नहीं मानी जाती। तो अभी हम उन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो जिसकी एक्चुअल सेल डीड होती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें सेल डीड पूरी बनानी है। सेल डीड में जो मेजर चीज होती है, एक तो जो आपके पास पुरानी जो सेलर अपना माल बेच रहा है उसका पुराना पूरा चेन, जब से प्रॉपर्टी का ओरिजिन हुआ है वहां से लेके लास्ट बायर तक, उसके बाद जो बायर जो माल बेच रहा है वहां तक आपको वो पूरा चेन उस प्रॉपर्टी की सेल डीड में लिखना है। उसके बाद जो आपके सेलर और बायर के जो नए न्यू टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो आपको उसके बारे में लिखना है, कितनी चेक डिटेल है, कितना चेक कब कब मिलेगा, एग्रीमेंट टू सेल पर कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। वो लिखने के बाद आपको सेल डीड एक बना देनी है। सेल डीड बनाने के बाद फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन करनी है। स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन आप जब पूरी करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा वो लैंड है या रेजिडेंशियल यूनिट है या हाउसिंग सोसाइटीज़ है, कितने फ्लोर्स है, उनका ऑनरशिप रेशियोज़ कितना है, उसके बेसिस पर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूशन कंप्यूट होती है। जब स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूशन आप कंप्यूट करते हो उसके बेसिस पर आप स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर हम स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूशन कंप्यूट आराम से कर सकते हैं। उसमें पूरा कैलकुलेटर है, पूरा टेबल है, उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आप नॉलेज के साथ उसमें सारी फिगर्स डालेंगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूशन आ जाती है। जब स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूशन आती है उसके बाद आपको स्टैम्प पेपर परचेज करना पड़ता है। स्टैम्प पेपर आप ऑनलाइन भी स्टैम्प पेपर परचेज कर सकते हो, पर जब बड़ा अमाउंट होता है तो आप किसी बैंक के थ्रू ही जाके स्टैम्प पेपर परचेज कीजिए, जो भी बैंक प्रॉपर्टी का स्टैम्प पेपर इशू करता है उसमें बैंक स्टैम्प पेपर आपको इशू कर देगा। फर्स्ट बायर सेलर का नाम डाल के कितना अमाउंट है कर देंगे। फिर आपको सेल जो दिल्ली गवर्नमेंट की साइट है सब रजिस्टर की, वहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है जो वहाँ पर होता है। स्टैम्प ड्यूटी आप पे कर चुके, रजिस्ट्रेशन फीस आपको ऑनलाइन पे करनी होती है, नॉर्मली 1% होती है। स्टैम्प ड्यूटी आपकी 6% से 8% होती है, वो आप जब पे कर दोगे आपको एक ऑनलाइन रिसीट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी तो आप जिस दिन अपॉइंटमेंट डेट होती है उस दिन आप अपनी सारी प्रॉपर्टी पेपर लेके जाएंगे, पूरा चेन लेके जाएंगे प्रॉपर्टी का, जो न्यू ओरिजिनल सेल थी उसको लेके जाएंगे, बायर को लेके जाएंगे, सेलर को लेके जाएंगे, बायर के विटनेस को लेके जाएंगे, सेलर के विटनेस को लेके जाएंगे। वहाँ पर सारे थंब इम्प्रेशन होते हैं, वहाँ पर सब रजिस्टर ऑफिसर भी बैठे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं बायर सेलर का, वो सब वेरीफाई हो जाता है। फिर आपकी फ़ोटोग्राफ खींची जाती है सब रजिस्टर ऑफिस में, विटनेस की फ़ोटोग्राफ खींची जाती है, आपके सिग्नेचर करे जाते हैं, आपकी थंब इम्प्रेशंस ली जाती है। वो करने के बाद आपको 3 दिन के बाद आपको एक SMS आता है मोबाइल पर, उसके बेसिस पर आपको एक रिसीट जब मिलती है, आप 3 दिन बाद, नॉर्मली 3 दिन के बाद मत जाओ, हफ्ते के बाद आप सब रजिस्टर के ऑफिस जहाँ पर आपको सेल डीड मिलेगी वहाँ पर जब आप ये अपने रिसीट दिखाएंगे तो आपको सेल डीड की कॉपी मिल जाएगी। ज़्यादातर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें रजिस्ट्री के समय, हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए बायर सेलर की, हमें स्टैम्प ड्यूटी पेपर चाहिए प्लेस प्लस करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, फिर हमें रजिस्ट्रेशन फीस जो हमने पे करी उसकी भी ई रिसीट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड तो आजकल हर में चाहिए, सिमिलरली विटनेस के ओरिजिनल ID चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद अगर हमारे को उससे पहले अगर हमारे को प्रॉपर्टी की सर्च करना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसके नाम में है, वो भी ऑनलाइन दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर आप सर्च कर सकते हो, प्रॉपर्टी की डिटेल डालेंगे,
ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स पूरी पता चल जाएगी कि कौन बायर था, कौन सेलर है, उनका नाम दिख जाएगा, प्रॉपर्टी का पता दिख जाएगा, उससे ज़्यादा डिटेल नहीं होती। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टी के समय, आपको मदर डीड चाहिए। मदर डीड बेसिकली सारे पुराने डॉक्यूमेंट, सारी चेन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, इनकम चेन, प्रॉपर्टी कब से ओरिजिनेट हुई, उसके बाद कितने बायर से, कितने सेलर से, कितने उसमें चार्ज लगे प्रॉपर्टी। ये तो नहीं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आपको शेयर के फॉर्म में आई है, या आपकी रिकॉग्निशमेंट डीड के फॉर्म में आई है, या गिफ्ट के फॉर्म आई है, वो सारा चेन आपको उसमें आपको इकट्ठा करके अपने पास रखना पड़ेगा। फिर बिल्डिंग अप्रूवल प्लान्स, कि जो बिल्डिंग अप्रूवल प्लान इस बिल्डिंग को अप्रूव हुआ है और जो एक्चुअल बिल्टअप है उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, अगर वेरिएशन है तो उसका इंजीनियर सर्टिफिकेट है नहीं, इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है नहीं, तो इनकम्पल्सन सर्टिफिकेट चाहिए अप टू 15 ईयर्स, और पुरानी जितनी भी प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स है वो आपको लेना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी दिल्ली में फीमेल के लिए 4% है, मेल के लिए 6% है, और ज्वाइंट हो 5% है। गिफ्ट हो किसी भी फॉर्म में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, इवन फॉर जीरो वैल्यू सर्कल रेट पर स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, पर अगर ये हरियाणा में करते हो, ब्लड रिलेशन में करते हो, क्लोज ब्लड रिलेशन, सो स्टैम्प ड्यूटी आपकी बिल्कुल जीरो है। आपका सर्कल रेट दिल्ली का ए टू एच कैटेगरी में डला हुआ है। ए कैटेगरी में जो सर्कल रेट है पर स्क्वायर मीटर 7,74,000 है। बी कैटेगरी में 2,46,000 है। सी कैटेगरी में 1,60,000 है। डी कैटेगरी में 1,28,000 है। ई कैटेगरी में 70,000। एफ कैटेगरी में 56,000। जी कैटेगरी में 46 एंड एच कैटेगरी में 23। लाइक ए कैटेगरी में लाइक डिफेंस कॉलोनी, चाणक्यपुरी, मालचमा, बी कैटेगरी में GK1, GK2, तो ऐसी कैटेगरी बनी हुई है। तो जितना स्लम एरिया होगा वो आपका जी और एच कैटेगरी में आपको मिल जाएगा।